साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प, ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदि गुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपो ज्योतिर्परब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतुमे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान, और रफ्तार मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंगनबाड़ी बहनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दीपावली तोहफा, प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी। दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर में सज गए बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़, कारोबारियों में भी उत्साह। और त्योहारी सीजन को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा, संदिग्धों पर रखी जा रही है पैनी नजर। दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दीपावली के पर्व पर तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1,800 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कर्त्रियों को मानदेय में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंगलवार शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी देर शाम में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से मुलाकात करते नजर आए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प, ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है।
आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदि गुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदि गुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपो ज्योतिर परब्रह्म, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीपावली अंधकार पर प्रकाश की विजय का दिवस, झिलमिलाते दीपों की रोशनी से प्रकाशित यह पर्व उल्लास और उमंग का संदेश दे रहा है। प्रिय प्रदेशवासियों, आपको सपरिवार दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम और सद्भावना के इस ज्योति पर्व पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दीपावली के पर्व पर तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 1,800 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कर्त्रियों को मानदेय में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। मंगलवार शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी देर शाम में मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से मुलाकात करते नजर आए थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसकी चमक चारों तरफ दिखाई पड़ती है। कहते हैं दीपावली पर अमावस्या की सबसे काली रात होती है, लेकिन कभी इस काली रात का एहसास ही नहीं होता। चारों तरफ खुशियां, पटाखों की आवाज़, रोशनी के जगमगाते दिए, आसमान में पटाखों से निकलती रंग बिरंगी लाइटें मानो इस काली रात के साए को हमारी जिंदगी से कहीं दूर ले जाती है, और इसीलिए इस त्यौहार को अंधकार पर प्रकाश की जीत का भी एक मार्गदर्शन जताया गया है। आपको दिखाते हैं कि अंधकार के पीछे की क्या कहानी है और क्यों दीपावली मनाने का एक खास अंदाज है। देखिए रिपोर्ट। दिवाली खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग अपने घरों को बेहतरीन ढंग से सजाकर रात में दिए जलाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है, इसलिए इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली मनाने के पीछे यूं तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और श्री राम के वापस लौटने की खुशियां मनाई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के आदेश को मानते हुए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लिए वनवास पर निकल गए थे। अपने 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। राम जी के वापस आने की खुशी में पूरे राज्य के लोगों ने रात में दिए जलाए और खुशियां मनाई थी, और तभी से दिवाली मनाई जाती है। एक मान्यता ये भी है, हिंदू महाग्रंथ महाभारत के अनुसार कौरवों ने शतरंज के खेल में अपना सब कुछ गवा दिया था। यहाँ तक कि शकुनी मामा की चाल की वजह से पांडवों को राज्य छोड़कर 13 साल के वनवास पर भी जाना पड़ा था, और 13 साल का वनवास पूरा करके इसी कार्तिक अमावस्या को पांडव वापस लौटे थे। पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दिए जलाकर खुशियां मनाई थी, तभी से दिवाली मनाई जाती है। वहीं अगर बात करें अब दिवाली पर अमावस्या की काली रात की, तो दिवाली का दिन वैसे तो सुख समृद्धि के त्योहार के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये दिन तांत्रिकों के लिए भी खास माना जाता है। अमावस्या की इस रात को काली रात्रि, महानिशा भी कहा गया है, और दीपावली की रात सबसे खास
शक्तिशाली मानी जाती है और इसे तंत्र शास्त्र की महारात्रि कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर पग पग पर रंग रूप भाषा और परंपरा बदल जाती है। अधिकतर राज्यों में दीपावली की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में दीपावली पर काली माँ की पूजा की जाती है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा दशहरे के 6 दिन बाद की जाती है, जबकि दीपावली के दिन काली माँ की पूजा की जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बंगाल में क्यों होती है दीपावली पर काली माँ की पूजा। यूं तो भारत में दीपावली पर लक्ष्मी पूजा करने की परंपरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बंगाली समुदाय इस दिन माँ काली की पूजा करते हैं। दीपावली के दिन यानी अमावस्या की अर्धरात्रि में माँ काली की पूजा होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा गया है कि राक्षसों का संहार करने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो माँ काली के इस रौद्र रूप को शांत करने के लिए भगवान शिव खुद उनके चरणों में लेट गए थे और भगवान शिव के स्पर्श से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया था और इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। जबकि इनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान भी अभी तक कुछ राज्यों में है जहां पर दीपावली के दिन माँ काली की पूजा की जाती है। काली की पूजा करने के लिए कुछ दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। खासतौर पर कोलकाता में खूबसूरत पंडालों की झलक देखने को मिलती है। दीपावली की रात को महानिशा कहा जाता है और लोग रात भर जागकर माँ काली की पूजा करते हैं और कुछ इसी तरह से पश्चिम बंगाल में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है जिसमें संस्कृति, परंपरा, भाईचारा और प्रेम देखने को मिलता है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर नैनीताल पुलिस अलर्ट मोड पर है। भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर सघन चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा जारी है। बता दें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। निचले कर्मचारियों को भी अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। आगामी जो त्यौहार का सीज़न आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, सारा कुछ आ रहा है, तो उसके मद्देनज़र मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। साथ ही साथ हैवी व्हीकल्स भी लगातार जो हैं वो जनपद के अंदर आते हैं जिसकी वजह से जाम की स्थिति हो जाती है। इससे निपटने के लिए हम लोगों ने एक ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बना रखा है जिससे कि स्पेशली हैवी व्हीकल्स जो हैं वो उनको बिना शहर में एंट्री दिए वो अपना ऊपर पहाड़ के जहाँ पर भी लंबे रूट्स पर उनको जाना है वो चले जाएंगे।